वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। जब एक औरत के काम करने की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है मोबिलिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, कि कौन उसको पिक करेगा, कौन उसको ड्रॉप करेगा, भाई करेगा, अब्बू करेंगे। अब वो ज़माने शुक्र है कि जा रहे हैं। और आयशा स्पिक में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का आयशा स्पिक ऐसा ही कुछ है। एक पाकिस्तान में मूवी आई थी मोटरसाइकिल गर्ल, और उसके थ्रू ये मैसेज मुझे मिला, बहुत सारे लोगों को मिला, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ड्राइविंग ना आना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के मसले में आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक देते हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ख़वातीन को सिखाता है कि बाइक किस तरह से चलाते हैं, और हम सिर्फ स्कूटी की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल रेगुलर बाइक की बात कर रहे हैं जो मर्द हज़रात चलाते हैं। और मुझे याद है बहुत अरसे पहले जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, कहीं मुझे दिखाई देती थी कि कोई औरत जो है वो बाइक चला रही थी, हम कहते थे देखो 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 देखो, और इस तरह हुआ होता था। अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, हम कहते हैं कि चलो भाई वेरी गुड, सबको करना चाहिए। हमारे पास एक पैकेज है पिंक राइडर्स पाकिस्तान का, जो कि बहुत सारी ख्वातीन को बाइक चलाना सिखा रहे हैं। आइए चल के ये पैकेज देखते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंक राइडर्स पाकिस्तान की उन अमेजिंग ख्वातीन के साथ जिन्होंने या तो शौक में या मजबूरी में सीखी कि बाइक किस तरह से चलाते हैं। कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग सीख चुके हैं, इनसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई कहीं जाने का सोचती है, कोई भी खातून, तो सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कि किस तरह से जाया जाए। अगर ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि खुद बाइक चलानी आ जाए, तो क्या बात है जनाब, हम किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे और ख्वातीन साबित हो जाएगा कि किसी से भी कम नहीं है किसी भी शोबे में। तो यहाँ पे हमारे पास अमेजिंग सी ख्वातीन हैं, इनसे बात करती हैं, इनसे जानते हैं कब से ये सीख रही हैं बाइक चलाना पिंक राइडर्स पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? सोबिया। सोबिया, कब से चला रही हैं बाइक? 2 ईयर्स हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, क्या ऐसी थॉट आई कि आपने सोचा बाइक चलानी चाहिए? जरूरत भी थी, शौक भी था, और नॉर्मली मार्केट जाने के लिए जो डिपेंड करना पड़ रहा होता है मेल राइडर्स पे, तो उससे जान छुट गई है। जबरदस्त, यानी खुद चले जाते हैं, खुद सामान बाय करते हैं और आ जाते हैं इजीली। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट मिली? सपोर्ट मिली। ऑसम। हस्बैंड से ज्यादा सपोर्ट मिली। हस्बैंड से ज्यादा सपोर्ट मिली। सारे हस्बैंड यहाँ पे सुन लेंगे बात। अक्सर खवातीन बैलेंस नहीं कर पाती, जैसे कभी साइकिल नहीं चलाई होती, क्या अगर आप बैलेंस नहीं कर सकती या कभी साइकिल नहीं चलाई तो क्या आप बाइक से भी सीख सकते हैं? नहीं, साइकिलिंग बहुत मस्त है इसके लिए। अगर आपने पहले चलाई भी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं चलाई भी तो आधे घंटे में हम सिखा देते हैं साइकिल। तो कोई पैगाम देना चाहेंगी उन खवातीन को जो सीखना चाहती हैं मगर डरती हैं, लोग क्या कहेंगे, देखेंगे? नहीं, वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो हम तो इनकरेज करते हैं और आगे आए, हमसे जो हो सका हम आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अमेजिंग। अच्छा, मैं भी एक फरमाइश करना चाहती हूँ जो फैमिली वाले फरमाइश करते होंगे कि प्लीज हमें राइड दे दें। तो अगर मैं एक राइड लेना चाहूँ और मैं जरा अंदाजा करना चाहूँ कि मैं चला सकती हूँ बाइक, सीख सकती हूँ या नहीं, तो कोई है विलिंग जो मुझे राइड देगा? चलिए जी। गाड़ी चलाना चाहे, जहाज उड़ाना चाहे, आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं अगर आपकी ख्वाहिश है। बिल्कुल ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने का और बोलने का काम करने दें, आप अपना काम करें। आपका काम क्या है? अपनी ख्वाहिशात को सामने रखना, एक मंजिल की तरफ जर्नी बनाना कि ये वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू मैं अपनी मंजिल को हासिल कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप ये सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, जब आप कुछ बन जाएंगी ना, या आप कुछ बन जाएंगे, वही लोग जो पहले सोचते थे और बोलते थे फिर बोलेंगे
ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे दोस्त हैं, तो इट शुड नेवर बी अबाउट लोग, इट शुड ऑलवेज बी अबाउट यू कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, करना चाहते हैं, ताकि कल को कोई पछतावा ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि आप बोलें कि ये होनी चाहिए थी। मुझे एक बड़ी अच्छी ऑथर है एलिजाबेथ गिलबर्ट, उनकी एक बात मेरे साथ हमेशा स्टे करती है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि उन्होंने किसी से सवाल किया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ करना चाहें जो कि अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे, और जो जवाब उस इंसान ने दिया, उस ऑथर ने उनको कहा कि ये है आपका रियल ड्रीम, कि अगर कोई इफ्स और बट्स और मजबूरियां ना हो तो जो आप करना चाहते हैं, सारे इफ्स और बट्स को निकाल दें, वो काम आप करें, अचीव करें, इस बात का ख्याल रखते हुए कि वो ना आपको नुकसान दे, ना आपके किसी जानने वाले को नुकसान दे और किसी का दिल ना दुखाए, तो फिर वो काम बिल्कुल जायज़ है और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वेल, टाइम हो चुका है ख़त्म, हम जाएंगे अब आपसे इजाज़त लेने की जानिब और कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।